टीटी खिलाया हूँ। तो गुड मॉर्निंग इंटरनेट, मैं हूँ सौदे मनोज, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी, और अभी हूँ मैं घर पे अपने द्वारका। ये जूते देख सकते हो तुम, मैंने इन्हें साफ किया था, पर मैं एक पार्टी में पहन के गया था और ये खत्म हो चुके हैं भाई, मतलब खराब हो चुके हैं। प्लस इनके यहाँ पे ना ये मिट्टी भी घुस गई थी, तो मैं सोच रहा था मैं फेविक्विक लाया था, तो मैं ये फेविक्विक से चिपकाऊंगा। और ब्रश लाया था और कोलगेट भी लाया था। एक सेकंड, तो ये रहा कोलगेट जिससे मैं ये जूते साफ करूंगा। अगर तुम्हें नहीं पता तो व्हाइट जूते कोलगेट से साफ करोगे बहुत ही बेहतरीन साफ होते हैं, ठीक है? ऐसा मुझे लगता भी और पता भी है। अभी फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ, तो टाइमर स्टार्ट करो, उसके बाद मैं उस बारे में बात करूंगा जो मैं गोरिल्ला 450 टेस्टराइड लेने गया था, वहां पे एक अंकल मिले थे, तुम लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, तुम जाके चेक कर सकते हो। बाकी कंटिन्यू करते हैं। भाई गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना, अभी हद से ज्यादा गर्मी हो रही है, और शूज मेरे साफ हो गए, बस धोना नहीं होता है, टूथपेस्ट लगा के छोड़ दो। वाइट वाइट टूथपेस्ट होना चाहिए, नहीं कि तुम क्लोजअप लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कोलगेट लगाना होता है वाइट वाइट कलर का। और किचन में पंखा नहीं था भाई, बहुत गर्मी लग रही है भाई, गर्मी नहीं पसीना आ रहा है, वैसे एसी ऑन था, पर ठीक है कोई बात नहीं। अभी पता नहीं मेरे ख्याल से टाइम लैप्स चल रहा है या फिर नॉर्मल चल रहा है, कोई आइडिया नहीं है मेरे को, मैं बस बकवास कर रहा हूँ। अभी बकवास करने से मेरा मतलब ये था कि मेरे को नहीं पता था टाइम वेस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि इससे पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने सेटिंग जो है ना वो मैंने चेंज नहीं करी थी अपने कैमरे की, तो इस वजह से मैं ये बोल रहा था कि बकवास कर रहा हूँ। उसके अलावा कोई बकवास नहीं थी भाई। अगर तुम्हारे पास व्हाइट शूज हैं कपड़े के या फिर रैक्सिन के या लेदर के, टूथपेस्ट से भाई सच में क्लीन कर सकते हो, उसे विश्वास नहीं हो रहा तो मैं एंड में दिखा दूंगा, अगर वो मैंने वॉश किए तो, उसके बाद वॉश भी करना होता। बात कर लेते हैं भाई गोरिल्ला 450 टेस्ट राइड के बारे में। भाई व्लॉग ने तो फाड़ दिया भाई, बहुत ही प्यारे व्यूज गए हैं, अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाया, मेरे को इतना अच्छा काम करके अच्छा लगता है भाई, जब अच्छे रिजल्ट आते ना तो अच्छा ही लगता है। अभी मैं बात कर लेता हूँ उन अंकल के बारे में। भाई मैं तो पता नहीं क्यों ऐसे बहस करता हूँ भाई 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 खड़िया वहाँ स्क्रैचेस लग जाएंगे साइलेंसर पे यार। मेरे अंदर पता उस टाइम क्या चल रहा था कि अगर ये बाइक गिरी, मतलब वो जबरदस्ती लगा रहे थे वहां पे ना, और वहां पे लूप था, अगर तुम लोगों ने देखा होगा ध्यान से तो वो लूप था, अगर वो बाइक गिरती तो सीधा मेरी बाइक पे गिरती और दोबारा से मेरा टैंक डैमेज होने का डर था मेरे अंदर। तो इस वे में मैंने उन्हें बोला था कि भैया यहाँ मत लगाओ बाइक, वहां लगा दो, बल्कि मेरे को गोरिल्ला 450 वहां से निकालनी थी, उसके साइड में खड़ी थी, वो वहां भी लगा सकते थे अगर मैं उसे निकाल लेता हूँ। उसके लिए सॉरी, उस टाइम दिमाग नहीं चला मेरा इतना। उसके बाद अंकल कहते जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतने टाइम से मैं बाइक 25 साल हो गया, ज्यादा समय चला रहा हूँ चला रहा हूँ भाई, वो बात नहीं होती है, तुम कितने टाइम से बाइक चला रहे हो, मेरी कितनी उम्र है, तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर तुम ऐसी बेवकूफी कर रहे हो ना तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं करता है, तुम्हारे पास चाहे 50 साल का एक्सपीरियंस हो भाई, चाहे मेरी उम्र 16 साल की हो, चाहे मेरी उम्र 12 साल की हो, तो कोई मैटर नहीं करता अगर तुम ऐसी बेवकूफी कर रहे हो। मैंने बोला कि यहाँ मत लगाओ, कह रहे यहीं लगी हुई थी पहले से। अब उसमें पासपोर्ट थोड़ी ना था भाई कोई, अगर वहां जगह नहीं दिख रही है तुम्हें, ऑफकोर्स तुम जबरदस्ती फंसा रहे हो कोई चीज, तो उसके सामने लगा दो, कहीं और लगा दो, या रोड पे लगा दो। जैसे मैंने आखिरी में जब मैं टेस्ट राइड लेके तो मैंने शोरूम के सामने लगा दी थी बाइक, मैंने कहा था जब मैं अपनी बाइक हटाऊंगा तब तुम लगा लेना, नॉर्मल सी बात होती है यार ये। एक टेस्ट राइड व्हीकल की हमेशा वैल्यू करनी पड़ती है क्योंकि वो शोरूम की बाइक होती है, ठीक है? अगर आप लगा देते और बाइक मेरी बाइक पे गिर जाती, आप मेरा नुकसान नहीं भर पाते, आप शोरूम का नुकसान नहीं भर पाते, आप उस टाइम ये कहते अरे यार अब तो हो गया यार, माफ कर दो यार, सॉरी यार। भाई एक बार बीत चुकी है मेरे पे, अब मैं दोबारा रिस्क नहीं लेता, इस चक्कर में मैंने बोला था। बस फिलहाल ये था, आई विश कि आप लोगों को अच्छा लगा, बाकी सब बढ़िया है। अभी क्या कर रहा हूं भाई, वही अभी नहा धो के रेडी हो गए, अभी मेरे को जाना है एक बारी पुरानी दिल्ली। क्यों जा रहा हूँ मैं वो बाद में कभी बताऊंगा, अभी थोड़ा मेडिकल इशू का सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं, ठीक है? ये है मेन, पता नहीं मेरे को रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। तो मैं जा रहा हूँ और मेरे पापा जा रहे हैं UK07। पहले देखता था मैं उसे जब मैं बच्चा था ना, फिर मेरे को पता चला ये चढ़ने से कुछ नहीं होने वाला जीवन में, किसी और को देखना पड़ेगा, अच्छे अच्छे जो यूट्यूबर्स को देखना पड़ेगा, अब बुरा ना लग जाएगा अनुराग को। चलो कोई नहीं, पापा को पिक करता हूँ, निकलता है। तो गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे, और कल पापा के साथ गया तो था पर टाइम इतना ज्यादा लग गया था, कल हमें आते आते 8 बज गए भाई, और मेरे पास कुछ नहीं रहा कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ कुछ भी। उस टाइम हॉस्पिटल में था तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मैं क्या सही नहीं रहता है, अपना जो काम करना है वो काम करते हैं और घर निकलते, ठीक है? पर ऐसा नहीं हुआ, हमें 8 बज गए आते आते, तो ये है नेक्स्ट डे। और अभी मेरे को उठाऊँ तो ब्रश वगैरह करते रेडी होते, प्लस मेरे जूते जो है उन पे अच्छे से कोलगेट लग गए, अब तुम कंडीशन देख सकते हो, काफी ज्यादा क्लीन लग रहा है, तो वैसे वॉश करने की जरूरत नहीं होती है। देखो दोनों जूते देख सकते हो, पहले जो हाल था उनसे तो बेटर ही है, मतलब ये तो ये जो है ये वाला हिस्सा जो ये तो वॉश हो जाएगा, पर कपड़ा देखो सिर्फ कोलगेट लगाया मैंने और कितना क्लीन हो गया, ये देखो पहले से बहुत ज्यादा क्लीन है। एक्चुअली क्या होता है ये ना, मैं शूज मिट्टी में पहन के चले गया था,
और उस टाइम पे बारिश का मौसम हो रहा था और बहुत ज्यादा मिट्टी थी तो इस वजह से गंदे हो गए थे। तो अभी ऐसा करना है, अभी ब्रश वगैरह करना है और क्यों कर रहा हूँ मैं ये, सॉरी एक सेकेंड भाई। तो अभी टाइम हो रहा है 1 फेब 1 महीना, ठीक है ठीक है। तो अभी है 12:05, गलत बता रहा हूँ। एक्चुअली सीन ऐसा है कि ये घड़ी मेरे को मिल गई तो मैंने कहा क्यों नहीं, इसको सेल खत्म हो गए थे इसके तो वो लगवाने गया था, बाकी एक दो काम और थे वो निपटा रहा था। बाकी अभी मैं शायद जूडियो जाऊँ, चलो अभी ट्रैफिक आगे भाई। जूडियो जाने वाला था पर मैं एक्चुअली जा ही नहीं पाया, पता नहीं क्या, एक तो ना काम इतने ज्यादा हो रखे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ऐसे इतने एकदम से इतने काम कैसे आ गए। सच में बहुत ही ज्यादा काम आ रखे हैं। और पर्सनली बताऊं तो मेरा थोड़ा पर्सनल काम भी है, थोड़ा मेरे को घर का भी काम है, ठीक है, और पर्सनली मेरा थोड़ा बहुत काम चल भी रहा है, उसके लिए भी काम चल रहा है अभी। मतलब बहुत मिक्सअप है, मैं सब चीजें तो नहीं बता सकता पर इतना बता सकता हूँ कि आने वाला टाइम थोड़ा नया, थोड़ा अच्छी चीजें आने वाली है, इतना मैं बोल सकता हूँ। बाकी ऐसा करते ज्यादा लंबा नहीं खींचते इस वाले ब्लॉग के लिए, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना रखते। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो। बाकी मिलते अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और ख्याल रखे अपनों का अपना। बाय बाय। और आई विश कि मेरे रोड वाले माइक से अच्छी आवाज आ रही हो क्योंकि मैंने इसे ठीक कराया गाइस, रोड वाला माइक।